सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच दिल्ली की एक टीम ने तीन व्यक्तियों को चंदन बर्नवाल, आजाद प्रताप राव और रितेश तिवारी को गिरफ्तार किया है, जो सभी हट्टा कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आरोपी एक बड़े घोटाले में शामिल थे, जहां उन्होंने विदेशी नौकरी चाहने वालों से बड़ी रकम वसूली, उन्हें नियुक्ति पत्र और विभिन्न देशों के वीज़ा दिलाने का वादा और वीज़ा पासपोर्ट और काउंसलर सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग और प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी VFS ग्लोबल की सलाहकार आनंद सिंह की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि परवीन साहू और अजीत साहू ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद को VFS अधिकारी के रूप में गलत तरीके से पेश किया था। FIR संख्या 5824 US 318-4 और 319-261 BNS और 66 IT एक्ट के तहत PS क्राइम ब्रांच दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है और जांच सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच दिल्ली द्वारा की गई है। काम किया है, बहुत ही बढ़िया गुड वर्क है, जिसमें जो VFS का फर्जी इम्पर्सनेशन करके लोग विक्टिम्स को ल्योर करके और झांसा देकर कि उनको एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा मिल जाएगा या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और उनसे पैसे ऐंठते थे, पैसे ट्रांसफ़र करते थे अपने अकाउंट्स में और उनको चीट करते थे। इसके बाबत हमें एक शिकायत मिली VFS द्वारा, जिसमें बताया गया, जिसमें कंप्लेंट की गई कि एक इस तरह के फर्ज था ताकि लोग जो हैं वो ल्योर हो जाएं और लोग जो हैं ट्रैप हो जाएं। तो शुरुआत हमने उस एक कंप्लेंट से की, तो अभी तक हमारे पास एक विक्टिम है जो इसने 2.5 लाख रुपए लूज किए हैं इस जो ये पूरी इनका जो सिंडिकेट है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने पूरी फाइनेंशियल ट्रेल निकाल ली है। और हमें उम्मीद है कि जैसा कि मेरी पर्सनल नॉलेज में आपको बताता हूँ कि काफ़ी ऐसे जानकार मेरे हैं जो पिछले काम किया है।